बट यहाँ पे हम इको पार्क के सामने है ना, तो ये है इको पार्क यहाँ का। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग और वेलकम बैक आपके दोबारा से बनी खेत में गाइस। और आज हम जा रहे हैं बाथरी, मास्क उतार के बात करते हैं। कोरोना वायरस तो है पर मास्क, 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, वो भी है। और गाइस आज हम जा रहे हैं ना बाथरी। बाथरी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि किस लिए जा रहे हैं बताया नहीं मैंने, हाँ वैक्सीनेशन लगवानी है ना सेकेंड डोज, तो जा रहे हैं बाथरी। तो आज हम बाथरी जाएंगे, मतलब चंबा से थोड़ा पीछे, थोड़ा क्या बड़ा ज़्यादा पीछे है चंबा से, पर हम बाथरी जाएंगे आज और वहाँ का आपको व्यू दिखाएंगे, मंदिर वगैरह सब कुछ दिखाएंगे वहाँ का। तो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं पहले मोहित के घर, फिर मिलते हैं आपसे। पहुँच चुके हैं अभी, कहाँ पहुँचे हैं, पोखरी बाज़ार में पहुँचे हैं, जहाँ पर मतलब गलू के ऊपर जो है पोखरी, वहाँ पर पहुँचे हैं। अभी अभी जाना है हमको बाथरी, पर हम बस स्टैंड से होकर जाएंगे क्योंकि हमारी जो बस है वो बस स्टैंड पर लगेगी ना, तो बस स्टैंड में बस पकड़ के जाएंगे। तो जल्दी जल्दी पहले बस स्टैंड पहुँच लेते हैं, फिर आपसे करते हैं बात। अभी बाथरी बाथरी पहुँचे यार, गाइस बस स्टैंड पहुँचे, बस स्टैंड का पूरा व्यू दिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं अपना बाथरी को घूमते। हम पहुंच चुके हैं उघराल, और उघराल में बड़ा ही मतलब धूप लग चुकी है और मेरी आंखें भी बंद होते जा रही हैं। और बाथरी पहुंचने के लिए अभी बड़ा लंबा रूट है यार, बस भी थोड़ी देर बाद जानी थी इसलिए हम पहले आ गए। तो अब हमको बाथरी धीरे धीरे जल्दी पहुंचना पड़ेगा, तो चलते हैं जल्दी जल्दी बाथरी, फिर वहाँ पर करते हैं आपसे बात। बाथरी वाली बस में बैठे हैं तो बस का व्यू दिखाते हैं आपको। बाथरी पहुंच चुके हैं गाइज, और हमारे साथ है हमारे फ्रेंड्स, पर इनकी शक्ल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी वैक्सीन वैक्सीन लगानी है, तब दिखाएंगे सबकी शक्ल। तो मतलब कि मैं आपको पूरा बाथरी का व्यू दिखाता हूं, कैसा व्यू चल रहा है यहां पे अभी। तो गाइज ये पूरा व्यू है ना, और यहां पे नीचे शिवांश की दुकान है, मतलब फास्ट फूड है यहाँ पे। मंदिर के पास जहाँ पे हमने घूमना है थोड़ा बहुत, आ जाओ। तो गाइज मतलब यहाँ पे जो हनुमान की मूर्ति आपको वो दिखाते हैं, और थोड़ा यहाँ का मंदिर दिखाते हैं जो भी है मंदिर, ये वाला। और गाइज दूसरा ये हनुमान की मूर्ति है, और हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि जूते नहीं खोलने। कुछ हम ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ का माहौल कुछ ऐसा है, और यहाँ पे अंदर एक गुफा है। यहाँ पे हम जा रहे नहीं क्योंकि बारिश भी बड़ी ज़्यादा लगी, बारिश नहीं पर पानी बड़ा ज़्यादा है। मंदिर यहाँ पे है और एक मंदिर वहाँ पे है। वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं पर आपको नीचे स्कूल नहीं दिखा पाए क्योंकि याद नहीं रही थी स्कूल भी दिखाने की नहीं। और हमारे साथ चले हमारे शिवांश, शिवांश को दिखाते हैं यार गाइस, इन्होंने लगवाई है वैक्सीन। ओम शंकर बोल रहे हैं, हमने नहीं लगवाई वैक्सीन पर इन्होंने लगवा ली है। तो अब जल्दी जल्दी ऊपर बाथरी बाज़ार में चलते हैं। पहुँच चुके हैं बाज़ार बाथरी के, तो यहाँ पर थोड़ी देर इन्जॉय करते हैं, उसके बाद चल पड़ेंगे अपने घर। तो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा गाइस क्योंकि सुबह के आए हैं ना यहाँ पे, अब घर को भी जाना है, यहाँ पे लेट ना हो जाए। हड़बड़ी मच गई थी बस, तो आ चुकी थी और हम सारे हो रहे थे लेट। और गाइस देखो मैंने अपना फ़ोन भी साइड में पकड़ के भागना, बस बस का वेट करने लग पड़ा था। और गाइस अब बैठ चुके हैं हम अपनी बस में और यहाँ का ले रहे पूरा एंजॉय। और गाइस एंजॉय भी कर ले क्योंकि बारी हमारी खड़ी खड़े आई थी। ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला जब मैं आपको दुकान लगा था दिखाने, क्योंकि पीछे जो बस लगी है ये बस आ चुकी थी। तो हम भी पहुंच गए अब बनीखेत, तो बनीखेत बाज़ार में चले हुए इस टाइम, क्योंकि तब तो मैंने आपको बता ही दिया क्यों नहीं कर पाया आप लोगों। तो अब बनीखेत बाज़ार में अपने बाज़ार का भी थोड़ा बहुत दिखाते हैं, उसके बाद चलते अपने घर। बाज़ार से आ चुके हैं अब अपने घर को, और मैं तो चल रहा हूँ अभी धीरे धीरे ऊपर, थक भी बड़ी लग रही है। और अब चलते हैं धीरे धीरे घर, तो पहुँच गए, खाना वाना खाएंगे, हाथ पाँव धोएंगे। अब हम आ चुके हैं अपने घर से, निकल चुके हैं गाइस। तो लास्ट में मेरे को पता नहीं है कि मैंने क्या किया था, क्या बताया था आपको, बट अभी मैं घर से पूरा निकल चुका हूँ डायरेक्ट, क्योंकि जा रहे हैं हम अभी रनिंग करने। तो मैं और कल वाले जो सारे थे वो, और आज मेरे ताहे का लड़का भी आ गया जतिन, फैक्ट जोन FF। तो अभी जल्दी जल्दी पहुँचते हैं पद्धर, जैसे कि कल बोला था मैंने, पद्धर पहुँचने के बाद दिखाएंगे आपको वहाँ का व्यू, फिर रनिंग भी करनी है ना। गाइस हम पहुँच चुके हैं अभी ना केंद्रीय विद्यालय स्कूल, और ये जो है ये केंद्रीय विद्यालय स्कूल KVS। तो यहाँ का पूरा व्यू दिखाते हैं, उसके बाद चलेंगे अपने पद्धर को रनिंग करने।
अभी हम पहुंच चुके हैं अपना पद्धर, और ये पूरा पद्धर का व्यू कितना ऑसम दिख रहा है। ग्राउंड तो साइड है, बट यहाँ पे हम इको पार्क के सामने है ना, तो ये है इको पार्क। यहाँ का पद्धर का जो है ये मंदिर है पूरा, नाग देवता का मंदिर, और ये यहाँ पे शनिदेव, उस साइड भी शनिदेव और उस साइड बाबा जी। अपने इको पार्क और पद्धर का व्यू थोड़ा देख लिया है, तो आप जल्दी जल्दी चलते हैं अपना रनिंग करने, और उसके बाद आएंगे वापस पद्धर का, तो फिर मिलते हैं आप। रनिंग करते करते हम आ चुके हैं लवर पॉइंट के पास। यहाँ पे लवर पॉइंट इसलिए नाम डाला है क्योंकि यहाँ पे सारे लवर्स आके मिलते हैं, और यहाँ पे बैठते हैं, मज़े से अपनी प्यार की बातें शेयर करते हैं। और सामने बड़ा ही क्रेजी व्यू दिख रहा है सनसेट का, तो आपको वो दिखाते हैं। और रेस्ट करने के लिए रुके थे, उसके बाद भागना फिर शुरू कर देंगे। धीरे धीरे वॉक करते मैं और आर्यन चले हुए अभी, और मतलब सांस थोड़ा फूल गया था तो इसलिए हमने रेस्ट किया है। और सामने जो हमने पहले पीछे वाला सनसेट दिखाया ना, वो यहाँ से कुछ बड़ा ही क्लियर दिख रहा है। वो ये सनसेट है मतलब पठानकोट साइड से, वहाँ से बिल्कुल ऐसे डाउन में चले जाता है, डाउन में जा जाके पूरा एंड हो जाता है सनसेट का। तो यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे थोड़ी फ़ोटो वोटो लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। हम आ चुके हैं, कहाँ आ चुके हैं, रनिंग करने के बाद पद्धर से थोड़े से पीछे हैं। गाइस रनिंग करने के बाद अभी पद्धर से कोई आधा किलोमीटर पीछे, उसके बाद आप पद्धर चलेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा बीम मार रहे हैं, तो इनको दिखाता हूँ कैसे मार रहे हैं बीम। सो गाइस ये बीम मार रहे हैं अभी, पहुँच चुके हैं अपने पद्धर पर, पद्धर का व्यू दिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर को। रनिंग भी करनी है ना, तो जल्दी जल्दी चलेंगे, यहाँ पे अंधेरा भी होने ही वाला है। अभी पहुंच चुके हैं हम इको पार्क में, पद्धर के जो इको पार्क है, और यहाँ पे देखिए ये ट्रेन से खेल रहे हैं। तो पहले वीडियो बना लेते हैं जो ये ट्रेन से खेलने लगे हुए हैं। अभी हम कर रहे हैं अपने ट्रेन में सफर, चल ले रहा जो कि इनसे अभी चल रही नहीं है। उतार दो और गाइस ये चल चुकी है, और बड़ा ही मजा आ रहा है क्योंकि ये जो पीछे तो इनसे धक्का नहीं दिया जा रहा है, तो इन्हें कैसे दे रहे हैं। हम कैसे चला रहे हैं, वैसे चलाओ यार। गाइस देखिए बड़ा ही मजा आ रहा है गाइस। छूट रहे थे झूला, बढ़िया वाला जो मछली वाला झूला है, इसको ढूंढने के बाद अब चल रहे हैं हम घर। तो यहाँ से पहले निकल लेते हैं गाइज, तो यहाँ से गाइज निकल चुके हैं, अब जल्दी जल्दी चलते हैं घर। मैंने अपने कैमरे की फ्लैश ऑन की है, तभी ऐसा दिख रहा है, नहीं तो ये भी नहीं दिखना था। तो यहाँ पे मज़ा भी बड़ा आया इको पार्क में, जो कि आपने देखा ही होगा। और अब यार थक भी लग चुकी है, तो चलते हैं घर। इस टाइम शाम का माहौल, जो कि आप बज रहे हैं 7:30, तो यहाँ का बनिकेत का पूरा रात का माहौल है ये, तो बड़ा ही अच्छा माहौल है। तो अब जल्दी जल्दी चलते हैं अपने घर को। बड़ी देर के बोर होने बैठे हुए थे, बट हमने कहा नहीं अब कुछ करते हैं, तो करने में ये लगाऊंगी चाय लगाओ बनाने, और तो क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद थोड़ी स्टडी करनी है, और उसके बाद सो जाएंगे, और एडिटिंग भी करेंगे, तो अपने आज रूम में करेंगे, जहाँ पर मैं जो मेरा रूम है आज मैं वहाँ पर सो रहा हूँ, तो वहाँ पर करेंगे वीकेंड। तो जल्दी जल्दी चाय बनाते हैं, फिर आपसे करते हैं बात। अगर आपको चाय मतलब कि जल्दी पीनी हो, तो पहले तो लीजिए एक ऐसी वो जिसमें चाय बनाते हैं, और एक लीजिए चाय के लिए कप, जितनी चाय पीनी है उतने कप लीजिए, और उसमें डालिए फिर गाइस दूध। तो इस दूध को ऐसे डाल देंगे अब इसमें, इसमें डालने के बाद गाइस पहले तो अंदर से निकालेंगे चीनी, और उसके साथ निकालेंगे, तो गाइस चीनी तो मिल गई है, और इसके साथ पत्ती भी मिल गई है। पत्ती तो इसमें डल गई है, अब डाल रहे हैं 3 चम्मच हम डालेंगे चीनी के। और गाइज ये हो गए हमारे 2, और एक लास्ट 1। तो गाइज ये लास्ट चम्मच है, इसको डालने के बाद अब चाय उबलना रख देते हैं गाइज चाय बनने को। गैस ऑन करो और इसको जलाओ। तो गाइज हमारी चाय बनने के लिए रेडी हो गई है, और इसको बंद करते हैं, हम जल्दी जल्दी चाय बना लेते हैं। गाइज चाय भी उबल के हो चुकी है हमारी पूरी रेडी,
तो जल्दी जल्दी इसको थोड़ा और उबलने दो। तो गाइस पूरी उबल गई और अब करते हैं जल्दी गैस बंद और इसको रखते हैं यहाँ पे, टिक जा। तो गाइस ये टिक गया है और अब इसको पकड़ते हैं ना, और इसको यहाँ से ऐसे पकड़ते हैं और इसमें चाय डालते हैं जल्दी जल्दी, फिर चाय का टेस्ट चखते हैं कैसी बनी है। रात के हो चुके हैं 8:40, और अभी चल रही है हमारी चाय। मीठा तो कुछ ज़्यादा हो गया पर चाय भी अच्छी बनी है। तो अब खाना खाना खाएंगे, उसके बाद चलते हैं अपने रूम को। तो आप रूम में ही मिलेंगे गाइस। गाइस रात के बज चुके हैं अभी, आई थिंक 12-1 बज चुके हैं गाइस, और मैं व्लॉग का एंड अभी कर रहा हूँ ना। तो आई होप को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब, और ऐसे ही बेसिक वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहो। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इंस्टा पे फॉलो भी कर देना और मेरी रील्स को लाइक वगैरह कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।